अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज हम डिस्कशन करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से, और स्पेसिफिकली बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बारे में आपको बताएंगे कि इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है, और इस हवाले से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। जाहिर बात है, जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप रिस्क को भी देख रहे होते हैं, रिस्क के फैक्टर को देख रहे होते हैं, और देखना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप रिटर्न भी देख रहे होते हैं, जो बेसिक पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको रिटर्न कितना हो सकता है और कितने टाइम के बाद हो सकता है। जहाँ तक बात है रिस्क वाली, प्राइसेस के हवाले से अगर बात करें तो प्राइसेस ऑलरेडी लोअर लेवल पे हैं, और अगर आप किसी भी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि प्राइसेस आपको नॉर्मली बुकिंग प्राइस से नीचे मिलेगी। मींस के 51 लाख वाली बुकिंग थी, 51 लाख बहरिया को जमा है, स्टेटमेंट पे 51 लाख आपको मेंशन हुआ हुआ नज़र आएगा। जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं उनके केस में 56 लाख 10,000 की अमाउंट आपको नज़र आ रही होगी, कॉर्नर्स हैं या फेसिंग पार्क्स हैं, तो ये अमाउंट अगर पेड है और उसके बाद आपको कोई चीज़ अगर 42 में मिल रही है, 40 लैक्स में मिल रही है, 45 लैक्स में मिल रही है, मींस के बिलो द बुकिंग प्राइस, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कितना रिस्क होगा। ऑलरेडी प्राइसेस अगर लोअर लेवल पे हैं और आप उस स्पेसिफिक टाइम पे ख़रीद रहे हैं कि जब प्राइसेस बिलो द बुकिंग प्राइस हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि रिस्क, ज़ाहिर बात है ज़ीरो तो रिस्क कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन रिस्क आपका मिनिमाइज़ हो जाता है। और जो आपका रिस्क किस चीज़ का मिनिमाइज़ होता है कि आपकी प्राइसेस मज़ीद नीचे जाने के कोई किसी तरह के उसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप उस प्राइस पे ख़रीद रहे हैं जो कि नीचे है, और मार्केट स्लो मार्केट होने की वजह से और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से फ़िलहाल एक स्टॉप पे है, प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ वहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी मतलब कोई बाइंग करते हैं, कोशिश करें कि आप 10-15 लाख अगर प्लॉट बाय कर रहे हैं तो इस बिल्कुल ऐसी टाइमिंग पे करें जब प्राइसेस उस स्पेसिफिक एरिया में या ब्लॉक में ऊपर ना जा रही हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने एक वीडियो में कॉड किया था कि G1 ब्लॉक है इस वक्त, उसमें प्राइसेस बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, तो G1 ब्लॉक में जब प्राइसेस आपकी बेहतर हो रही हैं और ऊपर जा रही हैं, जहाँ पर फेसिंग रोज़ गार्डन इस वक्त एक 25 130 प्लस का रेट आपको मिल रहा है, तो उस टाइम पे उधर बाइंग करना तो फिर रिस्क ही है कि मतलब वो एक तरह से या तो उस पर स्टॉप रहेंगी या उससे थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाएंगी, प्राइसेस उस तरह से नीचे आने के इतने चांसेस तो नहीं है, लेकिन आप ख़रीद उस टाइम पर रहे हैं जब प्राइसेस एक बूम पे जा चुकी हुई हैं। और मज़ीद इसमें यह है कि आप अगर 10 मरला की कोई ऑप्शन ख़रीदते हैं और कोई ऐसी ऑप्शन जो कि आपको रीज़नेबल प्राइस में 42-45 के राउंड अबाउट मिलती है, तो डेफ़िनेटली आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है बेनिफिशियल हो सकती है, आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। रिटर्न के हवाले से यह है कि सड़क के बिल्कुल अपोजिट साइड पे फेज़ 1 में अगर अभी आपको 70-75 लाख का इन सम केसेस सेंट्रल ब्लॉक में कैटेगरी प्लॉट्स का जो रेट मिलता है, तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बिल्कुल सड़क की अपोजिट साइड पे बिगदी ऑलमोस्ट सेम लोकेशन रेविन रोड राइट साइड पे फेज़ 1 और लेफ्ट साइड पे फेज़ 4 जब आप अड्डा प्लॉट की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको ये रेट्स मिल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये आपकी रेंज में भी है, इसमें ऊपर जाने के भी चांसेस हैं। ऊपर रेट्स क्यों जाएंगे, रिटर्न क्यों बहुत बेहतर होगा या हो सकता है, उसकी वजह यही है कि जहाँ पे भी एरिया में डेवलपमेंट इन एनी फॉर्म चल रही होती है, डेवलपमेंट आपके घरों की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, डेवलपमेंट वहाँ पे बनने वाला खूबसूरत ऑर्चर्ड मॉल हो सकता है, डेवलपमेंट आपके बनने वाला टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया हो सकता है, डेवलपमेंट में आपका वहाँ पर रोज़ गार्डन जिसमें अभी इनिशियली काम स्टार्ट हुआ है, काफ़ी अर्से से तो डिवेलपमेंट हो नहीं रही थी लेकिन अब उसको बनाना भी शुरू कर दिया गया हुआ है, जॉगिंग ट्रैक फॉरे वगैरह और वहाँ पे खुदाई वगैरह उससे लग रहा है चीज़ें काफ़ी जल्दी बेहतर होंगी, और प्लस वहाँ पे स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, 10 मरला के घरों में बड़ी तेज़ी आई है बनने में, एक कनाल G1 ब्लॉक में बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं, और मतलब ओवरऑल ये तमाम चीज़ें, ये आपके जो भी फेज़ 4 में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। पॉपुलेशन यानी आबादी यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस बेहतर होता है, तो आपके प्लॉट्स जो भी आपने अगर रीज़नेबल लोकेशन पे बाय किए हैं, आप वो ना करें कि आप मतलब बहुत ही कम प्राइस के सिनेरियो में आप कोई रेलवे लाइंस के पास कोई 35 लाख वाला कोई 34 लाख वाला प्लॉट बाय कर लें, तो उसमें डेफ़िनेटली वो लोकेशन इस तरह की है, रेट उसमें बेहतर होंगे लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में होंगे एज़ कम्पेयर टू G3, G4 इवन के G5 और G6 के स्टार्टिंग एरिया के जो प्लॉट्स हैं, बड़े खूबसूरत और लेवल के प्लॉट्स हैं, मतलब वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं, और इस स्पेसिफिक टाइम में आप अगर बेहतर प्राइस में बाइंग वहाँ पे करते हैं तो रिटर्न डेफिनेटली ज़्यादा है, रिटर्न बेहतर मिलने की, बेहतर गेन मिलने की बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, और रिस्क होने की या रेट्स मज़ीद नीचे जाने की
बहुत कम लॉजिकल रीजंस हैं कि जिसकी बेस पे हम आपको कहें कि आप फेस फोर में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें और यहाँ पे बाइंग करके उन प्लॉट्स को थोड़ा सा टाइम दें, कोई 2-3 साल का। इतने टाइम में डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन भी बेहतर होगी और जिन अट्रैक्शंस का हमने नाम लिया उनका भी एक स्टेटस, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी या नियर टू कंप्लीशन होगी। तो इस स्पेसिफिक सिनेरियो में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेज़ फोर में की जाने वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क बहुत कम है और उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा जो है गेन बहुत ज़्यादा बेहतर आपको मिल सकता है। और यही मेन चीज़ है, यही हमारे इन्वेस्टर्स का मेन क्वेश्चन होता है कि जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं डूब तो नहीं जाएगा, जितना लगा रहे हैं उससे बहुत कम तो नहीं रह जाएगा। आप इस एक ऐसे टाइम पे फेज़ फोर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि प्लॉट आपकी नज़र के सामने है, आपका प्लॉट डिवेलप्ड है, आपका प्लॉट पोजेशन वाला है, उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो आप एक डिवेलप्ड चीज़ अपनी नज़रों के सामने, ऑनग्राउंड चीज़ अपनी नज़रों के सामने, लोकेशन ऐसा नहीं है कि अनबैलेटेड है कि आपकी ये लोकेशन निकलेगी या वो लोकेशन निकलेगी। आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद के साथ बड़ी रोड पे, नियर टू पार्क, नियर टू मस्जिद, नियर टू रोज़ गार्डन, नियर टू स्कूल, जो आपकी मतलब पसंद है उसके मुताबिक आप प्लॉट बाय भी कर सकते हैं और एक बार जो इन्वेस्टमेंट किया उसको आप टाइम भी दे सकते हैं। क्योंकि बेरी ऑर्चर्ड के 4 फेजेज़ में आपको 10 मरला जो मिलते हैं या तो फेज़ 1 में मिलते हैं या आपको फेज़ 4 में मिलते हैं। सेम स्टेटस एक कनाल का है, या तो आपको फेज़ 1 में मिलती है या फेज़ 4 में मिलती है। फेज़ 4 में एक कनाल अगर बाय करना चाह रहे हैं तो G2 के रेट स्टिल अभी रेंज में हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए, लेकिन ऑर्चर्ड मॉल के बनने से फेज़ 2 के रेट्स भी बहुत बेहतर होंगे, G2 के रेट्स में वो भी बहुत बेहतर होंगे। और G2 के ऑपोजिट साइड जो अट्रैक्शंस हैं, जब वहाँ पे एक कनाल के प्लॉट की प्राइस ऑलरेडी मैंने बताया काफ़ी ऊपर गई है, और इसके बाद एक कनाल की जो प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाला चांसेस है वो आपको G2 ब्लॉक में मिल सकते हैं। मज़ीद आपको फेज़ 4 की इन्वेस्टमेंट के हवाले से या बैरिया ऑर्चर्ड या बैरिया लाहौर के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी कोई और इन्वेस्टमेंट है उसको शफल करना चाह रहे हैं, किसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राबता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rupn.com, और इसके हवाले से कोशिश करेंगे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको प्रोवाइड की जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।